मैं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर छत्तीसगढ़ से और राजनांदगांव की खबर और मामला व्यक्ति की मौत का। राजनांदगांव में व्यक्ति की मौत के मामले ने अब नया मोड़ लिया है। पुलिस ने इस व्यक्ति की मौत को आत्महत्या बताया है, लेकिन परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि त्रिलोक जंगेल की हत्या की गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के ग्राम गुमानपुर निवासी पंचायत ठेकेदार की मौत हो गई थी। उसका शव राजनांदगांव के पुराना बस स्टैंड के समीप एक बैंक के पास पड़ा मिला। पुलिस की जांच में त्रिलोक की मौत का कारण जहर का सेवन करना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। वहीं परिवार के लोगों ने इस मामले में अब हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने वहां के जिले के एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। परिजनों ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि त्रिलोक जंगेल की हत्या की गई है। ज्ञापन में मृतक त्रिलोक की पत्नी कुसुमलता ने कहा है कि बीती 10 अगस्त को मोटरसाइकिल से उसके पति छुई खदान क्षेत्र में काम के लिए गए हुए थे। वहां से एक कार में सवार 3 लोग उसके पति को गांव गुमानपुर ले आए, जहां उसके पति के साथ पहले गाली गलौज की गई। वहीं उसके पति से 4.5 लाख का चेक लेकर जबरदस्ती उसे कार में भी बिठाया गया और फिर आरोपी उसके पति को अपने साथ ले गए। जब वह घर नहीं लौटे तो उसकी पत्नी ने दूसरे दिन पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक की मौत जहर खाने से हुई है। जिसके साथ यह व्यक्ति सवार हुआ उससे भी पूछताछ की जा रही है। राजनांदगांव से स्टेट डेड प्रणय अग्रवाल की यह रिपोर्ट। थाना में उनके परिजनों के द्वारा दिनांक 11/8/2020 को लिखाई गई थी। 11/8/2020 के बाद रात्रि 8:30 बजे के आसपास राजनांदगांव यूनाइटेड हॉस्पिटल आंध्रा बैंक के सामने इनकी लाश पुलिस वालों को मिली थी, जिसमें पुलिस वालों ने जांच करते हुए इसका बॉडी का पीएम कराया। पीएम रिपोर्ट में इनका पॉइजनिंग रिपोर्ट आया। शरीर में किसी प्रकार का कोई भी चोट का निशान नहीं था। थाने में फिर छुई खदान थाने में फिर इसकी सूचना मिलने पर इसकी अग्रिम विवेचना शुरू की गई। विवेचना में एक गाड़ी का जिक्र आ रहा है जो उनके घर में लेके गई थी। स्विफ्ट कार थी, सफ़ेद कलर की स्विफ्ट कार थी, जिसमें साथ में बैठ के थाना छुई खदान के जयस्तंभ चौक के पास आए। जयस्तंभ चौक से वे राजनांदगांव जाना पता चला है। जो गाड़ी में थे उनका बयान लिया गया है। उनका शायद कुछ पैसे का आपसी लेन देन रहा होगा या कुछ आपस में दोस्ती रही होगी। ये साथ में गए थे आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक में त्रिलोक जंगेल के द्वारा एक 6 लाख रुपए का चेक भरा गया। 6 लाख रुपए का चेक भरा गया। मैनेजर के द्वारा ये बताया गया कि आपके खाते में पैसा नहीं है। त्रिलोक जंगेल जो है बैंक से निकल कर लघु शंका के लिए सामने अहाते में सुमन मेडिकल के अहाते में चला गया। वहाँ CCTV फुटेज में ये जहर खाता या कुछ पाउच खाता हुआ या कुछ कागज़ से कुछ खाता हुआ दिख रहा है, इस CCTV फुटेज में जो क्लियर आया हुआ है। इनकी आपस में कॉल डिटेल लिया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं तो उसमें आगे अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अभी तक की विवेचना में यह पॉइजनिंग का केस है और ये आत्महत्या का केस है। सुसाइडल नोट इसमें घर से मिला है। त्रिलोक जंगेल के घर से जब हम तलाश करने गए थे तो उसके घर में बेड के नीचे एक सुसाइडल नोट मिला है। सुसाइडल नोट में उसने अपने सारे उधार और जो लेना है और देना है, 2 कॉलम में करीब 10.5-11 लाख रुपए का इसमें उधार जो है उसका राशि लिखा हुआ है। सुसाइडल नोट में खुदकुशी लिखा हुआ है। सुसाइडल नोट की जांच के लिए इसको हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास भेजा जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।